अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बीफ पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली थी। तो 1 कप के बराबर प्याज है हमारे पास, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए इतना ही पकाना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। फिर हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे 1/2 किलो। मैंने लिया है इधर बीफ मिंस, आप लोग चाहें तो इसके अंदर मटन से भी बना सकते हैं इसको और चिकन से भी बना सकते हैं। इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे, जिसके अंदर मैंने लिया है हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून है, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। तो ये मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी बारबेक्यू सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप लोग। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं हॉट सॉस ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सिरका 1 टेबलस्पून। फिर इसके बाद हम केचप ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। फिर इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, तो 1 कप पानी ऐड कर दें और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे पकने के लिए, जब तक ये गल नहीं जाता। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए कीमा हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और सारा ऑयल इसके ऊपर आ गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स, तो वो मैंने ले ली थी 1 टीस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे और ये कीमा जो है हमारा रेडी है। अच्छा, कीमे का जो पैन था वो मैंने चेंज कर लिया था और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, क्योंकि मुझे इसमें पास्ता ऐड करना है, इस वजह से पानी ऐड किया था। और 300 ग्राम मैंने पास्ता लेके इसको बॉईल कर लिया था और वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैंने पैनी पास्ता लिया है, आप लोग कोई सा भी शेप ले सकते हैं। और बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करके इसको सिर्फ 1 मिनट ही हमने कुक करना है और हमारा पास्ता रेडी है। तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, मुश्किल से 1/2 घंटा लगता है इसको पकाने में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको मैंने डिश में सर्व कर दिया था, ये देखिए। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।